देशातील प्रत्येकजण चौकीदार आहे पण काही बौद्धिक दिवाळखोरांना चौकीदार ही संकल्पना समजलेली नाही अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर हल्ला केलाय आणि सध्या ते दिल्लीतल्या तालकटोरा स्टेडियम मधून देशातील जनतेशी संवाद साधतायत. आपण थेट जाऊया या कार्यक्रमात. तो किसी ने हिम्मत करके निर्णय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमने किया. दूसरी बात है, एक बुद्धिमान नेता कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी सीक्रेट चीज है, हमारे पास थी लेकिन हमने सीक्रेट रखा था. आपके गले उतरता है बात? गले उतरता है. दूसरी बात है, जब अमेरिका ने डंके की चोट पर किया, चीन ने डंके की चोट पर किया, रशिया ने डंके की चोट पर किया, तो हमने गुपचुप गुपचुप करने की क्या जरूरत है? अच्छा, इनको साबु का उपयोग करना चाहिए. बुद्धिमान व्यक्ति को साबु का उपयोग करना चाहिए. साबु यानी सामान्य बुद्धि. आज विश्व में, अंतरिक्ष में आप कुछ भी करें, दुनिया इसको रिकॉर्ड कर सकती है, दुनिया उसको आसानी से देख सकती है. उसके लिए कोई स्पाईगिरी करने की जरूरत नहीं, नेचुरल प्रक्रिया है. क्या ये छुपा रहने वाला था क्या? अच्छा, आप टेस्ट ना करो और कहते रहो मेरे में ताकत है तो पता कैसे चलेगा भाई? टेस्ट करना ही पड़ता है. अगर यही सच है तो हमने पोखरण एक पोखरण दो क्यों किया? करने के तुरंत बाद दुनिया को क्यों बताया? दुनिया को आपकी शक्ति का परिचय होना भी उतना ही जरूरी है. लेकिन इसके साथ हमने ये भी कहा कि हमने ये किसी दुश्मन देश के लिए बनाया नहीं है, ये हमने हमारी रक्षा के लिए टेक्नोलॉजी को विकसित किया और हम आगे भी करेंगे. और इसलिए ये शक्ति मिशन भारत के लिए एक बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है. लेकिन चूंकि मोदी प्रधानमंत्री है, इसके कालखंड में हो रहा है, तो कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है. क्या करें भाई, इसका क्या उपाय? तो ये मुसीबत उनको मुबारक. अगला सवाल हम लेंगे आगरा उत्तर प्रदेश से. इस कार्यक्रम में वहां हमारे साथ मौजूद हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के. हम कनेक्टेड हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. हेलो, उत्तर प्रदेश को नमस्कार. जल्दी सवाल पूछिए. माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार. नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार. मेरा नाम राजेश वाल्मीकि है. मैं आगरा नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर पिछले 25 वर्षों से कार्यरत हूं. हेलो. हाँ बोलिए, वाल्मीकि जी बोलिए. प्रधानमंत्री जी नमस्कार. नमस्कार, मैंने सुना आप आगरा से हैं, आप सफाई कर्मचारी हैं. वाल्मीकि आपका नाम है, बताइए. सफाई कर्मचारी के पद पर पिछले 25 वर्षों से कार्यरत हूं. मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस रोजाना नई नई झूठ बोलती है, रोजाना नई नई झूठ बोलती है, एक झूठ 100-100 बार बोलती है. और पिछले 5 सालों में उन्होंने झूठ ही बोला है. पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि उनका झूठ और भ्रम बोलने का इकोसिस्टम बहुत मजबूत है. इसको हम कैसे एक्सपोज करें?
आपकी आपकी बात सही है कि इनका झूठ बोलने वालों को इकोसिस्टम की इतनी मदद मिलती है कि उनका झूठ बार बार गूंजता रहता है, लेकिन उनके झूठ को समझने जैसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस का झूठ बड़ा सीजनल होता है, जैसे पतंग की सीजन आती है, पटाखे की सीजन आती है, उसी प्रकार से उनका सीजनल है। सीजन के हिसाब से वो झूठ प्रोडक्ट करते हैं, फिर मैदान में छोड़ते हैं और इनका इकोसिस्टम इसको उठाता है। ये बड़ा आपने देखा होगा कि जब यहाँ दिल्ली में चुनाव चल रहा था तब उन्होंने एक झूठ चला दिया। झूठ क्या था? चर्च पे हमले हो रहे हैं, चर्च पे रह रहे असहिष्णुता, इनटॉलरेंस इनटॉलरेंस, आपने देखा होगा। जैसे ही चुनाव समाप्त हो गए, इनटॉलरेंस भी समाप्त हो गया। इनका झूठा सही है। बिहार में चुनाव चल रहा था तो उन्होंने झूठ निकाला, मोदी आया है अब संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण ले लेगा, आरक्षण जाने वाला है, ये झूठ चलाया उन्होंने। बिहार का चुनाव तब तक झूठ चलाया, झूठ चलाया, बस वही, कोई मुद्दा नहीं उसे। और उनके जो इकोसिस्टम है वो भी जा जा करके लोगों के ही पूछने लग गए, कैसे भी करके खींचते रहते थे। पहली बार देश में आरक्षण हटाने की बात छोड़ दीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे ज्यादा सम्मान किया हो तो हमारी सरकार ने किया। संविधान के द्वारा ओबीसी को कमीशन बना करके उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमें पार्लियामेंट में बिल लाए, दो दो तीन तीन सत्र तक उसको लटकाए रखा उन्होंने, लेकिन झूठ बोलते रहे। अभी पार्लियामेंट में हमें कानून लाए, संविधान में परिवर्तन किया, सामान्य वर्ग के 10%, सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण।